अमरोहा के जोया मार्ग पर स्थित नवादा गांव के पास चलती सेंट्रो कार में लगी आग। मची अफरा तफरी। जिला अस्पताल से सेद नगली अस्पताल जा रहे डॉक्टर आसिफ अली ने कूद कर बचाई जान। बता दें कि अमरोहा जनपद में जोया मार्ग पर स्थित गांव नवादा के पास आज चलती कार में आग लग गई, जिसकी वजह से वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया। कार में आग लगने की ये तस्वीर मोबाइल कैमरे में कैद हो गई, जिससे हम आपको दिखा रहे हैं। आग लगने से कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। सेंट्रो कार के मालिक डॉक्टर आसिफ अली ने बताया कि वो अपनी ड्यूटी करने जा रहे थे कि तभी रास्ते में उनकी गाड़ी में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसके बाद उन्होंने दमकल कर्मी को फोन किया। दमकल की गाड़ी मौके पर आने में इसलिए समय लग गया क्योंकि दमकल का दफ्तर शहर के बीचों बीच है और वहाँ पर जाम की स्थिति बनी रहती है। अस्पताल से निकला था, जिला अस्पताल से निकला था। जैसे ही मैं बाहर आया तो आगे से गाड़ी में हीट होने लगी, कुछ आवाज़ नहीं आने लगी, कोई सिग्नल भी नहीं था गाड़ी में इस तरह का कोई भी। जैसे ही मैं आगे उतरा तो वैसे ही गाड़ी में आग लगी हुई थी। बिल्कुल इतना भी मौका नहीं मिला कि मैं उसको थोड़ा सा कुछ बुझा भी पाता कुछ भी। मैंने अपना ज़रूरी सामान निकाला और मैं गाड़ी से बाहर हो गया। फायर ब्रिगेड को मैंने फ़ोन किया। अमरोहा से के न्यूज़ संवाददाता रवि कुमार की रिपोर्ट। यूपी झांसी के टीकाराम यादव महाविद्यालय मोट में श्री राम कथा मोट महोत्सव का आयोजन 8 नवंबर से 16 नवंबर तक चलेगा। पूर्व विधायक गरौठा दीपा नारायण सिंह यादव की माता जी श्रीमती रामा देवी जी पुण्य स्मृति में आयोजित श्री राम कथा के अवसर पर शीतला माता मंदिर से पूर्व विधायक दीपक यादव ने धर्मपत्री श्रीमती मीरा यादव के साथ पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। झांसी से के रेणु संवाददाता वासु हसन की रिपोर्ट। बुलंदशहर में महिलाओं से सरेआम छेड़खानी के विरोध में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने घेरा एसएसपी का दफ्तर। बजरंग दल कार्यकर्ताओं का आरोप है कि शहर में मनचलों के हौसले काफी ज्यादा बुलंद हैं। दो दिन पूर्व सिटी कोतवाली क्षेत्र के काली नदी रोड पर सब्जी लेकर घर लौट रही महिला से की मनचलों ने छेड़खानी। मनचलों की गिरफ्तारी नहीं होने से खफा बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने किया एसएसपी के दफ्तर में प्रदर्शन। एसएसपी ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। बुलंदशहर सिटी कोतवाली के पास हुआ था दो दिन पूर्व मारपीट की घटना। बुलंदशहर से के रेणु संवाददाता कौशल कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। जनपद देवरिया के सलेमपुर में जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं ने भ्रष्टाचार और खराब सड़कों की समस्या को लेकर सलेमपुर तहसील में एसडीएम के नाम ज्ञापन दिया। और आपको बता दें कि उनकी मांगे थी कि सलेमपुर गांधी चौक से लेकर सरकारी हॉस्पिटल की सड़कें खराब हैं, उसकी जल्द से जल्द मरम्मत की जाए और नगर पंचायत सलेमपुर में जो प्रधानमंत्री आवास के नाम पर पैसा लिया जा रहा है वो बंद है और जो जांच करने के ऊपर सख्त कार्रवाई हो। और सलेमपुर में बस स्टॉप नहीं है, जिसकी वजह से आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। सलेमपुर में बस स्टॉप भी बनाए जाए। चौक पर धरना प्रदर्शन किए, सभा किए और ज्ञापन में हम लोग की मुख्य मांग थी कि सलेमपुर ब्रिटिश सरकार का यह तहसील है, लगभग 1947 में बनी हुई तहसील है, लेकिन आज तक यहाँ बस स्टेशन का निर्माण नहीं हो पाया और बहुत सरकारें आई और गई, किसी ने बस स्टेशन का निर्माण नहीं कराया, जिसके चलते सलेमपुर में जाम की स्थिति बहुत हमेशा रहती है। और यहाँ सड़क की शहर की स्थिति यह है कि सलेमपुर मुख्य मार्ग से जो हॉस्पिटल तक जो रोड जाता है वो इतनी जर्जर हो चुकी है कि आप मोटरसाइकिल से तो आप फोर व्हीलर से तो जा ही नहीं सकते हैं। देवरिया से के न्यूज़ संवाददाता सूर्य प्रकाश मणि की रिपोर्ट। मध्यप्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी मुख्यालय पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक सभा का आयोजन किया, जिसके बाद बसपा नेता दिव्या गंगवार और भाजपा के पूर्व मंत्री हरिओम उपाध्यक्ष अपने समर्थकों सहित समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। सपा सुप्रीमो ने मौके पर किसानों के मुद्दे पर भाजपा सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। लखनऊ से के न्यूज संवाददाता राहुल यादव की रिपोर्ट।